ये वो स्थान है यहाँ पर राजा नल की प्रेम का, रानी दमयंती और गजमोतन के झूले डले हुए थे। जमीन के नीचे महल बने हुए हैं। आइए थोड़ा नीचे की साइड लेकर चलते हैं। ये जो आपको दोस्तों जगह दिखाई दे रही है, इस जगह पर उस जमाने में दोस्तों नृत्य हुआ करता था। इसके अंडरग्राउंड तरीके से वो पानी यहाँ पर इकट्ठा होता था इस जगह पर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इसी नरवर के किले के साथ एक और वीडियो में। और जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस सुंदर किले का दृश्य, यहाँ पर कई महल ऐसे बने हुए हैं दोस्तों। ये किला लगभग 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है और ज़मीन से 500 फुट की ऊंचाई पर बना हुआ है। मध्य प्रदेश जिला सीपरी के नरवर शहर में ये किला मौजूद है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा राजा नल की प्रेम का, रानी दमयंती और गजमोतन का झूला कहाँ डला हुआ था। तो आइए अब मैं लेके चलता हूँ आपको उस जगह पर। इस पीछे की साइड ये छतरी है, उसका भी दृश्य आप देख सकते हैं। काफ़ी सुंदर नकाशी इस जगह की बनी हुई है। ये जो आपको दोस्तों जगह दिखाई दे रही है, इस जगह पर उस जमाने में दोस्तों नृत्य हुआ करता था और उस नृत्य का आनंद यहाँ की रानियाँ लेती थी। अब चलते हैं दोस्तों इधर की साइड, और इधर की साइड भी हम आपको यहाँ का जो दृश्य है उस दृश्य को दिखाते हैं। यहाँ पर दोस्तों रानी बैठा करती थी और यहाँ पर ये आपको जगह दिखाई दे रही है। इस जगह को पूरा पानी से भर दिया जाता था और काफ़ी यहाँ पर सुंदर तरीके से इस जगह को सजा दिया जाता था गुलाबों के फूलों से। और उस ज़माने में कितना सुंदर ये महल दिखाई देता होगा, आप देख सकते हैं इस महल की नक्काशी को। काफ़ी सुंदर डिज़ाइन इस महल में रचे हुए हैं उस ज़माने के। अब दोस्तों मैं आपको आगे की तरफ उस झूले के साइड लेकर चलता हूँ जहाँ पर राजा नल की प्रेमिका रानी दमयंती और गजमोतन का झूला डला हुआ था। तो चलिए अब चलते हैं उस रास्ते से उधर की साइड। ये जो आपको दरवाज़ा दिख रहा होगा दोस्तों, काफ़ी सुंदर इस दरवाजे के बाहर की ओर जी नक्काशी है वो की हुई है। कितने सुंदर यहाँ पर फूलों के जो डिज़ाइन है वो यहाँ पर बनी हुए हैं उस ज़माने के। और राजा नल का काफ़ी सुंदर प्राचीन किला है ये दोस्तों, इस डिज़ाइन को भी देख सकते हैं आप, काफ़ी सुंदर डिज़ाइन है। अब मैं आपको इधर की साइड लेके चलता हूँ और यहाँ का जो खुफिया रास्ता है उसको भी मैं बताता हूँ दोस्तों। ये देख सकते हैं यहाँ पर तल घर बने हुए हैं उस ज़माने के, ज़मीन के नीचे महल बने हुए हैं। आइए थोड़ा नीचे की साइड लेकर चलते हैं और थोड़ा इसके अंदर की हम आपको जो दृश्य है उस दृश्य को दिखा देते हैं। ये देख सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों ऊपर की तरफ और ऊपर की तरफ का दृश्य भी हम आपको दिखाते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए दोस्तों। हम आपको राजा नल की प्रेमिका रानी दमयंती गजमोतन के झूले का जो स्थान है उस स्थान को दिखाएंगे। इस कारीगरी को देखिए, काफ़ी सुंदर कारीगरी है यहाँ पर बनी हुई है। काफ़ी सुंदर दृश्य है यहाँ का और काफ़ी सुंदर सुंदर फूल यहाँ पर बने हुए हैं। अब चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। पूरे महलों पर दोस्तों सुंदर सुंदर नक्काशी बनी हुई है। और इस रास्ते से दोस्तों हम अंदर की तरफ जाएंगे। इसी दरवाजे के अंदर जाते ही हम बताएंगे आपको वो रहस्य जहां पर रानी दमयंती और गजमोतन का झूला बना हुआ था। और इधर सामने की तरफ का जो दृश्य है वो भी देखिए, काफ़ी सुंदर दृश्य है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ देखेंगे और आपको बताएंगे रानी दमयंती और गजमोतन के झूले का स्थान। ये देख सकते हैं आप दोनों साइड यहाँ पर खम्भे बने हुए हैं और इधर की साइड भी यहाँ पर खम्भे बने हुए हैं। यहाँ पर राजा नल की प्रेम का, रानी दमयंती का झूला डला रहता था और यहाँ पर गजमोतन का झूला डला रहता था। ये वो स्थान है यहाँ पर राजा नल की प्रेम का, रानी दमयंती और गजमोतन के झूले डले हुए थे। और यहाँ पर
इस जगह पर भी दोस्तों पानी भर दिया जाता था। काफ़ी सुंदर तरीके से उस पानी को सजाया जाता था और इस जगह से अंडरग्राउंड रास्ता गया है पानी के निकास के लिए। इसके अंदर से दोस्तों वो पानी का निकास बना हुआ था, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इसके अंडरग्राउंड तरीके से वो पानी यहाँ पर इकट्ठा होता था, इस जगह पर इकट्ठा होता था। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कितनी सुंदर सुंदर नकाशी है वो बनी हुई है यहाँ पर। ये देखिए, पानी के कारण दोस्तों ये दीवारें अभी ख़राब हो चुकी हैं। उस टाइम पर दोस्तों काफ़ी सुंदर ये दीवारें लगती होंगी। और दोस्तों इन जगहों पर उस ज़माने में रखे जाते थे दीपक, ये देख सकते हैं आप। कैसी लगी दोस्तों आपको ये राजा नल की प्रेम का रानी दमयंती और गजमोतन के झूले की वीडियो? तो इस जगह पर वो झूला झूलती थी। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर भी करें। मिलते हैं दोस्तों एक और वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय श्री राधे राधे।